सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 3 रीजंस जिसके वजह से आपको ये होंडा ग्राजिया स्कूटी नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न है इसकी जो फिटिंग फिनिश। तो ये रिफ्लेक्टर देखो, यहाँ पे कितना इसका फिटिंग बराबर नहीं है, ये पहला रीज़न है। मतलब और भी फिटिंग फिनिशिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसलिए यही दिखा रहा हूँ। और दूसरा रीज़न है इसका बिल्ड क्वालिटी। तो प्लास्टिक क्वालिटी इसकी बहुत ही लो है। और तीसरा रीज़न इसका बॉडी पैनल्स में गैप। तो इधर यहाँ देखो, यहाँ पे पूरा गैप रखा हुआ है इन्होंने, और दूसरी साइड दिखाऊँ तो यहाँ पे गैप नहीं है, ये देखो। और यहाँ पे कितना गैप रखा हुआ है। तो अगर आपके पास भी होंडा ग्राजिया का मॉडल है तो आप भी एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए कि आपके स्कूटी में भी ये प्रॉब्लम है। तो यही 3 रीज़न है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो लो होने की वजह से। अगर आपकी स्कूटी में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो जल्दी निकलते नहीं है, मतलब निकलते ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो वाइट हो रखा है, अभी सर्विसिंग कराई थी फिर भी वो वाइट नहीं गया है। और अगर आप स्कूटी में रियर गार्ड लगाते हो तो कुछ किलोमीटर चलाने के बाद ये लूज़ हो जाता है, जिस लूज़ होने की वजह से इसका बॉडी पैनल से घिस जाता है ये और कलर निकल जाता है। तो यही 3 रीज़न है। अगर ये 3 रीज़न आपको मैटर करते हैं तो आप ये होंडा ग्राजिया ना लें। इससे बेटर प्लास्टिक क्वालिटी आपको सुजुकी बर्गमैन में मिलेगी, सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट, उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। तो यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे